अगर आपको स्वीट खाने का मन करे तो झटपट बनाएं ये स्वीट। ये बहुत इजी है बनाना और बिना गैस जलाए, बिना चाशनी और बिना चीनी के ही ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। और ये स्वीट बच्चों का फेवरेट होने वाला है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। इसे बनाने के लिए मैंने ओरियो बिस्किट ले लिया है, मैंने 2 पैकेट 10 वाला लिया था। उसके बाद इसको इस तरह इसका क्रीम निकाल देंगे, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। इसके क्रीम को हमने सारा निकाल लिया, उसके बाद क्रीम को साइड में रख देंगे। फिर एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें बिस्किट को तोड़ कर इस तरह इसको एकदम फाइन ग्राइंड कर देंगे। देखिए कितना अच्छे से फाइन हो गया है। इसके बाद अब चलते हैं इसका डो लगा लेते हैं। डो लगाने के लिए पहले मैंने मिल्क को इस तरह अच्छे से बॉईल कर लिया था, उसमें मलाई आ गई थी। मलाई के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका डो बना के रेडी करना है आपको। थोड़ा ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। इस तरह देखो हमारा डो बन के रेडी हो गया है। अब इसे साइड में रख के मैंने क्रीम लिया है, क्रीम में हमने बादाम लिया है, आपके पास काजू बादाम जो भी हो, और नारियल पाउडर 1 कटोरी लेकर इसका फाइन पेस्ट फाइन कर दिया है। इसको एकदम बारीक पेस्ट बनाकर मैंने उसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर लिया और क्रीम जो था उसके साथ इस तरह आपको मिक्स करना है। अगर आपको थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, अगर डो बनाने में कोई दिक्कत होगी तो। थोड़ा सा मैंने मिल्क भी ऐड किया है, देखिए ये भी हमारा डो बनके रेडी हो गया है। जो मैंने ये वाला डो बनाया था इसको इस तरह बेलने से थोड़ा बेल लेंगे, पतला बना लेंगे इस तरह, देखिए। फिर जो मैंने येलो वाला पार्ट था उसको इस तरह रोल करके इसके ऊपर इस तरह रख कर इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। देखिए अच्छे से आपको बहुत आराम आराम से फोल्ड करना है, क्योंकि अभी नरम है, टूटने का भी डर रहता है। इस तरह अच्छे से चारों तरफ मैंने इसको कवर कर दिया। अच्छे से कवर होने के बाद इसे फॉइल पेपर में मैंने लपेट कर अच्छे से इसको फ्रिज में रख देंगे 10-15 मिनट सेट होने के लिए, क्योंकि अभी नरम है, अभी नहीं काट सकते, नहीं तो डर रहेगा फटने का। इस तरह फोल्ड करके हमने फ्रिज में रख दिया 10 मिनट। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है, देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे आराम से काटिए, साइड का पहले मैंने निकाल दिया, देखिए कितना आराम से कट रहा है। धीरे धीरे आपको काटना है, देखने में कितना अच्छा स्वीट लग रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। क्योंकि आपको नहीं तो कुछ झंझट करना है, नहीं तो गैस जलाना था, बहुत ही आसान तरीके से बन गया। उसके ऊपर मैंने केसर रख दिया, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, कितना आराम से टूट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है। एक बार आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फुल वॉच ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ।